भारत की एयर स्पेस में मंडराया बम वाला ईरानी विमान, पाक से फोन आया और दिल्ली में मचा हड़कंप, सुखोई ने भेजा वायु सीमा के बाहर। आईएएफ को मिली नई ताकत, 22 साल मेहनत के बाद शामिल हुआ एलसीएच प्रचंड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान। देश के कारोबारियों ने चीन को दिया 50,000 करोड़ का झटका, त्योहारों में बजेगा देसी डंका, लगभग 125 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना। सीएम शिंदे को जान से मारने की धमकी निकली अफवाह, नशे में धुत शख्स को पुलिस ने धर दबोचा, फडणवीस ने कहा इस मामले पर सरकार गंभीर। और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा, 3 नवंबर को होगी वोटिंग और 6 नवंबर को आएंगे नतीजे, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन।